दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि नन 2 को। ये मूवी कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी का ही पार्ट है और यहाँ पर तो ये मूवी उसको काफी अच्छे तरीके से भी कनेक्ट करती है। ढेर सारे हंट्स हैं और ढेर सारी चीजें हैं, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है डेविल्स कॉन 1956 फ्रांस में, यानी कि 1952 के इवेंट्स के 4 साल बाद, जहाँ पर हम एक चर्च को देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा जैक होता है जो कि रेगुलरली चर्च जाया करता था और फादर के कामों में हाथ बटाता। यहाँ पर ये फादर बहुत जरूरी थे और किसी खास मकसद से यहाँ पर थे। खैर, आज के मास के बाद वो अपना काम खत्म कर रहा होता है और यहाँ पर बाइन को नीचे रखने जा रहा होता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है। जिसे वो चेक करता है तो उसे काफी भयानक आवाज सुनाई देती है। फिर वो फादर को बुलाने जाता है और फिर फादर वहाँ पर आते हैं और जब वो चेक करते हैं तो उन्हें होली वाटर बहुत तेजी से उबलता हुआ दिखाई देता है जो कि भाप बनकर उड़ जाता है और उसके पीछे ही हम किसी शैडो को देख पाते हैं और जहाँ पर हमें बहुत खौफनाक मंजर दिखाई देता है। ये और कोई नहीं नन यानी डीमन बेलक होता है और ये फादर को बड़ी ही बेरहमी से ऊपर उड़ाता है और उनको जिंदा जलाकर खत्म कर देता है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि रेंडमली बेलक सबको मार रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। बेलक का यहाँ पर एक बहुत खतरनाक मकसद था। खैर, इसके बाद हम चर्च के टॉप फ्लोर पर नन को देखते हैं और नीचे एक व्यक्ति बैग लिए चर्च से बाहर आते हुए नजर आता है, यानी कि ये आदमी और बेलक आपस में जुड़े हुए थे। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शिफ्टर आइरीन को, जो कि अब किसी चर्च में रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि नन की इवेंट के बाद कहानी 4 साल आगे जा चुकी है और यहाँ पर सिस्टर आइरीन के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता कि इन्होंने लास्ट मूवी में बेलक से लड़ाई करी थी, बल्कि सब यही जानते हैं कि वो जो कोई भी सिस्टर थी वो कहीं दूर चली गई थी या फिर पागल हो गई थी। खैर, अब आइरीन यहाँ पर अच्छी खासी लाइफ बिता रही होती है और गॉड की शरण में होती है और तभी हमें यहाँ पर एक लड़की डेबरा दिखाई जाती है जिसका इंटरेस्ट नन बनने में काफी था और गॉड की तरफ कम था। और वो दोनों बात करती है, तब डेबरा उन्हें बताती है कि उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेज दिया क्योंकि उसके भाई देश सेवा के लिए गए हैं और उसको फादर ने गॉड की सेवा के लिए भेज दिया है। और जिस पर ये दोनों मजाक करती हैं, सिस्टर आइरीन अपने बारे में बताती हैं कि उसके फादर ने उसको यहाँ पर भेजा था और वो उसको उतना खास पसंद नहीं करते थे, इवन वो उसकी मदर को भी पसंद नहीं करते थे और उसको उसकी माँ के बारे में कुछ याद नहीं है, बस छोटी मोटी झलकियाँ ही याद है जो हम भी देख पाते हैं। और नापसंद करने का रीजन यही था कि यहाँ पर इनको जो विजन्स वगैरह आते हैं वो उनको झूठ लगते थे। और अब यहाँ पर चर्च में लास्ट मूवी के हादसों के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर ये किसी को नहीं पता था कि वो नन खुद सिस्टर आइरीन थी। इनफैक्ट वो खुद इन चीजों से दूर रहना चाहती थी। भले ही वो इवल को हराने में कामयाब हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर डर होता है जो कि उसके अंदर भी था। खैर, अब यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होकर फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है जहाँ पर आखिरी मूवी का फ्रेंची या फिर मॉरिस काम कर रहा था और स्कूल को मैडम लॉरेंटो चलाया करती थी और नेचर वाइज वो काफी एग्रेसिव होती है मॉरिस के साथ में, जिसके पीछे एक रीजन है। असल में उनका बेटा यहीं पर मारा गया था जिसकी वजह से चैपल के अंदर जाना मना था। खैर, यहाँ पर सोफी नाम की एक मासूम सी लड़की भी पढ़ती है जिसकी मदर वहीं पर पढ़ाती हैं। मॉरिस सोफी का बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी केट से भी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी, वो उसकी काफी केयर भी करता है। और सबसे बड़ी बात की यहाँ पर 3-4 लड़कियाँ जो है जो की सोफी को बुली करती रहती है, जिनसे अक्सर मॉरिस उसे बचाता है, वो उसे उसका बॉयफ्रेंड कहकर चढ़ाती हैं। और यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि मॉरिस के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या गड़बड़ है। उसके अंदर नन यानी बेलक थी। इसके बाद में हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आई होती है और उसको अजीब हालत में मॉरिस मिलता है। मॉरिस यहाँ पर असल में कॉकरोचेस को खा रहा होता है और कॉकरोचेस को साफ करने के लिए यहाँ की मैडम ने उससे बोला था और इसके पीछे ये रीजन होता है कि यहाँ पर जो बुरी लड़कियाँ थी ना, उन्होंने मैडम के रूम के अंदर कॉकरोचेस डाल दिए थे। खैर, अब मॉरिस के अंदर से बैरक अचानक से बाहर आकर उस लड़की को खत्म कर देती है। और अब तक आपको समझ में आ गया होगा जो आदमी वहाँ से सूटकेस लेकर निकला था, जिसने की फादर को जलाकर मार दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था जिसके अंदर नन थी यानी की बैरक। और बेलक यहाँ पर किसी को ऐसे ही नहीं मार रही, बल्कि इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजन है। फिर दूसरी तरफ हम
देखते हैं सिस्टर आइरीन को नाइटमेयर्स आते हैं मॉरिस के, जो कि उससे मदद मांग रहा होता है। लेकिन तभी उसे बेलक डरा देती है क्योंकि यहाँ पर वो इन सब चीजों से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद में वो काफी परेशान रहने लगती है। अब सीन वापस से बोर्डिंग स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ पर वो बुलिंग लड़कियाँ सोफी को परेशान करती हैं और उसको वहीं अबेंडेंट चैपल के अंदर लेकर जाती हैं, जहाँ वो उसे एक गेम खेलने को बोलती हैं कि उसे विंडो पर बनी कोट की आँख को देखना होगा, जिसके अंदर डीमन की आइस दिखाई देती है और अगर उसने नजर हटाई तो डीमन आकर उसे खत्म कर देगा। और अब वो उसी को देखने लगती है, लेकिन वो तीनों लड़कियाँ उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से ही हलचल शुरू हो जाती है और पैरानॉर्मल चीजें भी वहाँ पर होने लगती हैं। अब बेलक उसे हॉन्ट करती है, जिससे डरकर वो वहाँ से भागने लगती है और तभी मॉरिस आकर उसको बचा लेता है। और अब तक कीट भी वहाँ आ गई थी, जो कि उसे अपने साथ ले जाती है। अब फिर से सीन यहाँ पर आइरीन की ओर शिफ्ट होता है और उसको रेबरन बुलाते हैं और कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर बीस्ट और नन की जान जा रही है और रिसेंटली एक चर्च के अंदर ब्रिस्ट को मार कर जला दिया गया, यानी कि वही शुरुआत वाला सीन। और ये काम उसी डीमन बेलक का है जो मरा नहीं है और खत्म नहीं हुआ, वो वापस आ चुका है, जिसको पहले से ही एक बार सिस्टर आइरीन हरा चुकी हैं, तो दोबारा उसको इस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन सिस्टर आइरीन यहाँ पर इसके लिए मना कर देती है। उसका ये कहना होता है कि उसके साथ में फादर बर्थ भी थे, जो कि अब काफी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन रेबरन ये कहते हैं कि उनकी हैजा से मौत हो चुकी है और ये काम सिस्टर आइरीन को करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की और इंसानों की बात थी। इसके चलते सिस्टर आइरीन अपने डर पर काबू पाती है और यहाँ पर चल देती है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेबरन का मानना था कि ये मौतें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। यहाँ की जो सारी की सारी जड़ें हैं वो रोमानिया से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर वो बेलक क्यों आ चुका है, तो इसका रीजन सिस्टर आइरीन ही पता लगा सकती हैं। खैर, अब सिस्टर आइरीन उसी चर्च के लिए निकल जाती हैं जहाँ पर फादर को जलाकर राख कर दिया गया था, और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए सिस्टर डेब्रा ट्रेन में छिपकर उसके साथ आ जाती हैं, जिस पर आइरीन उसे समझाती हैं कि ये ठीक नहीं होगा और पता चलने पर उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब्रा उसे अपनी माँ की फोटो दिखाकर बोलती है कि वो भी जलकर ही मारी गई थी और वो उनको ही अपना गॉड मानती थी, और तब से उसका फेथ टूट चुका है और तब से कोई मिरेकल नजर नहीं आया, और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रे करने से वो जीसस क्राइस्ट में बदल सकता है। जिस पर आइरीन बोलती है कि वो अपने फेथ पर ध्यान दे और फेथ से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, और फेथ के चलते ही बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, जो कि उसने खुद देखे हैं, और मेरे ख्याल से डेब्रा उसी मिरेकल को देखने आई थी। खैर, इसी बीच वो उसे अपनी मदर की भी कहानी सुनाती है कि उसने उससे झूठ कहा था, उसे अपनी माँ अच्छे से याद है, वो गॉड को बहुत मानती थी और उन्हें गॉड की साइट मिली हुई थी, लेकिन उसके हस्बैंड उसे पागल समझते थे और फिर उसके पिता ने उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था हमेशा के लिए। इसके बाद से वो हमको नहीं देख पाई। फिर वो दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, और आइरीन को यहाँ पर आते ही जैक के विजन्स आने लगते हैं, यानी कि चर्च के अंदर आते ही, और यहाँ पर जैक ने उसे क्रूसेप एस पे पकड़ाया था। खैर, यहाँ पर वो अब थोड़ी बहुत छानबीन करती है और नन के विजन्स उसको बार बार हॉन्ट करते रहते हैं, और तभी उसे खेलता हुआ जैक मिल जाता है, लेकिन वो उसे कुछ खास नहीं बताता। वो बस ये बोलता है कि हाँ, उसने देखा था शैडो को, यानी कि बेलक को, और तभी उसे नन हॉन्ट करती है, जो कि बेहतरीन सीन होता है। आपने ट्रेलर में वो सीन तो देखा ही होगा जब किताबें अपने आप पलटकर नन का अवतार ले लेती हैं, तो यहाँ पर वही सीन आता है। अब यहाँ पर बेलक सिस्टर आइरीन का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो किसी नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, जिसके बाद में सिस्टर आइरीन बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उसको संभालती है। अब हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर मॉरिस बार बार बेलक के द्वारा पजेस हो रहा था और यहाँ पर बहुत सारी हॉन्टिंग्स हो रही थी, जिससे कि सोफी काफी डर जाती है। और यहाँ पर कॉन्जरिंग 2 का वो रेफरेंस आता है, और या फिर ये कहें कि फ्यूचर इवेंट्स सोफी को दिखाई देते हैं कि एक गेट खुलता है, जो कि मेरे ख्याल से लॉरेन बोरेन का घर था। और ये एग्जैक्ट वही सीन था जब लॉरेन ने यहाँ पर नन का नाम निकालने की कोशिश की थी, यानी कि असली नाम, जब हॉल में उसे नन दिखाई देती है और यहाँ पर उसकी बेटी उस तरफ इशारा करती है। तभी सिस्टर आइरीन को हॉस्पिटल के अंदर होश आता है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि आखिरी टाइम मॉरिस ने उसका साथ दिया था, उसको बचाया था, और तभी बेलक ने उसको अपना शिकार बना लिया, उसको अपने बस में कर लिया, और इस तरह वो बच गई। और सब जगह घूमकर अब वो लोगों की जान ले रही थी। और मूवी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वो मॉरिस ही था
जिसके अंदर नन समाई हुई थी, यानी कि बैलक उससे ये सब कुछ करवा रहा था। इसके आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो परंतु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते।